गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ साइंस स्टैंडर्ड 6। टुडे वी शैल डिस्कस चैप्टर 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स, एंड द टॉपिक फंक्शन ऑफ ए लीफ। एक पत्ती का क्या फंक्शन होता है? द मेन फंक्शन ऑफ अ लीफ इज टू प्रिपेयर फूड। जो मुख्य फंक्शन होता है वो भोजन को प्रिपेयर करना, बनाना। लीफ जनरली हैव अ ग्रीन कलर सब्सटेंसेस कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में प्राय ग्रीन कलर का सब्सटेंस पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड बाय अ लीफ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो है प्रक्रिया जिससे कि जो लीफ होती है वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करती है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट फूड वो प्रिपेयर करते हैं जिसको स्टार्च या सुगर कहते हैं, और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करती है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। द फूड प्रिपेयर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो फूड प्रिपेयर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ बाय कैरिंग आउट द एक्टिविटी। एंड सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग फूड। सनलाइट जो होती है वो फूड को प्रिपेयर के लिए आवश्यक होती है। पेपर फॉर अ फ्यू डेज एंड देन द प्रीसीडिंग एक्टिविटीज कैरीड आउट द लीफ विल नॉट टेस्ट फॉर स्टार्च। अगर क्या हो, कोई भी लीफ का जो एक पार्ट है उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए, उसके बाद क्या उसमें हम स्टार्च को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। दिस शोज दैट स्टार्च इज प्रिपेयर्ड इन द लीफ, और ये शो करता है कि लीफ में स्टार्च प्रिपेयर होता है। ऑल्दो द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय लीफ इट इज स्टोर्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट स्टेम रूट एटीसी। जो फूड होता है वो लीफ से प्रिपेयर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टोर होता है वो कहाँ होता है, रूट में स्टोर होता है, स्टेम में होता है, फ्रूट्स में होता है। एक पोटैटो में कट गिव्स द आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च। जब किसी भी पोटैटो को कट करते हैं तो उसमें आयोडीन टेस्ट का यूज करके हम स्टार्च को फॉर्म करते हैं। इट मीन्स दैट स्टोर स्टार्च, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर स्टार्च स्टोर रहता है। एंड नाउ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? बी प्लांट्स आल्सो लूज वाटर थ्रू लीव्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। Do you sweat on a hot summer day? क्या आप गर्मी के एकदम गर्म दिनों में आपकी बॉडी से स्वीट निकलता है? Be sweat because it keeps our body cool. हमारी बॉडी से स्वीट इसलिए निकलता है क्योंकि हमारी बॉडी को कूल करता है, ठंडा करता है। सिमिलरली इसी तरह प्लांट्स ऑल्सो लूज वाटर फ्रॉम देयर लीव्स। पत्तियाँ भी, जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं वो भी वाटर को लूज करती हैं, और इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। If you tie a polythene bag around a heavy stem bearing leaves, you can see water droplet on the inside of the bag. किसी भी क्या करो, किसी भी हेल्दी स्टेम जिसमें लीफ पत्तियां निकली हों उसके चारों तरफ आप पॉलीथिन बैग को टाई कर दो, बांध दो, तो क्या होगा, आपको भी उस बैग के अंदर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देंगे। एंड दीज ड्रॉपलेट आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर लॉस्ट बाय द प्लांट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। और ये वाटर ड्रॉपलेट जो होती है वो कंडेंसेशन, जो वाटर वेपर प्लांट्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में जब वाटर वेपर को लॉस हुई तो वो कंडेंस हो गए, वो ठंडी हो गए, वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गई। एंड ट्रांसपिरेशन कूल द लीफ, और ट्रांसपिरेशन जो होती है वो पत्तियों को ठंडा कर देती है। इट आल्सो क्रिएट अ पुल इन द लीफ ड्यू टू दिस वाटर एंड मिनरल्स आर मूव्ड अप टू द स्टेम फ्रॉम रूट्स। और ये क्या करती है, ये पुल खिंचाव का भी वर्क करती है जिससे जो वाटर और मिनरल्स हैं वो रूट से स्टेम तक पहुंच जाते हैं। एंड नाउ रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट टेक प्लेस इन लीव्स। जो भी गैसेस का एक्सचेंज
ये वो पत्तियां होती हैं जिनको भोजन के रूप में खाते हैं। लीव्स ऑफ पिचर प्लांट्स इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिचर फॉर कैप्चरिंग इंसेक्ट। पिचर प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो क्या, वो एक पिचर की तरह फॉर्म होती है जिससे कि वो किसी भी इंसेक्ट को कैप्चर करने का वर्क करती हैं। एंड नाउ इट इज फ्लावर। फ्लावर क्या है? इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई अ प्लांट फ्रॉम इट्स फ्लावर। किसी भी प्लांट से उसके फूल को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर्स में भी और मैनी साइजेस बट मोस्ट ऑफ देम आर ब्राइटली कलर्ड। फ्लावर अलग अलग प्रकार के होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा उनमें ब्राइटली कलर पाया जाता है। दे आर ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट। वो किसी भी प्लांट के रिप्रोडक्शन का ऑर्गन अंग होते हैं। दी फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सेपल, पेटल, स्टैमन, पिस्टल। ये सारे क्या है? ये सारे